इसके ऊपर से मैं उतारता हूँ। ये बर्फ है भाई साहब, गोल्डन एंड वाइट, ये देखिए सारी बर्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आउटडोर वर्ल्ड। आप सबका वेलकम हो गया मेरे चैनल में। सुबह सुबह के टाइम में पिछले 2 दिन बारिश लगी रही, तो अभी का जो मौसम है ना, सन राइजिंग मोमेंट्स आपने देखे, और जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ चुका ना, यकीन माने हमारे एरिया की हर चीज़ जो है ना चमक दमक रही है। और ये रहा जी हमारा मुर्गों का छोटा सा कमरा, ठीक है, ये मुर्गों के लिए बनाया था। अभी इनको बाहर निकालना है, लेकिन अभी थोड़ी धूप निकल जाए ना, फिर निकालेंगे। और ये रहा जी हमारे कुत्ती का कमरा। अभी सुबह सुबह का टाइम है और काम पे हम जा रहे हैं। हम हैं देहात से बिलोंग करते हैं और जाते हैं शहरों में काम करने के लिए वर्क एंड में। तो ये उन व्यूवर्स के लिए जो चैनल पे नए आए हैं, तो जो पिछली वीडियोस हैं वो शायद उन्होंने ना देखी हूँ, तो ये उनके लिए जो है ना मैं बात कह रहा हूँ। तो चादर ओढ़ लिए, ये देखें मोटा कंबल, क्योंकि 50 से 55 मिनट हमें रास्ते में लग जाते हैं रेगुलर, जो है ना रोज़ाना बाइक पर जाना पड़ता है और बाइक पर ही वापस आना पड़ता है। तो अभी अपने गाँव से निकलने लगे हैं, और अभी हमारा प्यारा सा ये विलेज देखें, कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। गंदम को देखें, ऊपर जो शबनम पड़ी है ना, ऐसे लगता है सूरज की जब छुआएँ पड़ती है, ऐसे लगता है जैसे कोई मोती जो है ना चमक रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी अभी काम पे पहुंचे, और ये हेलमेट पहना था ना, बाल कैसे हो गए। तो आज तक हमने काम पे आग नहीं जलाई, लेकिन आज जलाएंगे भाई साहब, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल चला के लेके आया हूँ। ग्लव्स थे गीले, ग्लव्स पहने हुए नहीं थे। अभी ये पड़ोसियों से मांगते हैं माचिस, अल्लाह करे कि मिल जाए। सर माचिस दे हो जी, तुसी भी आज सेकने हो, सर्दी बहु है। ले जी माचिस मिल गई। तकरीबन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद हमारी आग जल चुकी। देखे ना जी, सर्दी में ये आग भी एक नेमत है, ठीक है। इतनी सर्दी में ये अभी हमें इसका जो है ना शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये कितनी मुफीद चीज भी है। कुछ प्लाईवुड के पुराने पीसेस उठा के हम लेके आए हैं, ये देखें, ये हम इनको जला रहे हैं। तो अभी ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूं, ये जो प्लाईवुड होती है ना, ये तकरीबन 9 कोर की हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कोर से क्या मुराद होता है, कोर से मुराद ये देखें, ये आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 तकरीबन इसमें 4 कोर्स हैं, ठीक है। ये जो एक तय है ना इसकी, इसको एक कोर कहा जाता है। ये देखें, ये मैं उतार रहा हूँ, ये एक कोर है, ठीक है। इससे नीचे वाली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है, इस तरह 9 कोर होती है। और ये टोटल इसकी जो मोटाई होती है ना, वो तकरीबन 1/2 इंच बनती है। इसका जो पेपर होता है ना ऊपर, ब्लैक पेपर जो, वो तो मैंने जला ही दिया, ठीक है। तो बीच में ऐसे 9 जो है ना कोर्स को प्रेस किया जाता है, फिर ऊपर उसका पेपर होता है प्लाईवुड का। 11 कोर में भी होती है, लेकिन हम 9 की इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, काफ़ी हार्ड चीज़ होती है। इसमें पॉपुलर की तकरीबन 4 के 5 कोर मिक्स होती हैं, और साथ में सुंबल की, सुंबल का जो दरख्त होता है ना, उसकी जो है ना होती है बीच में। मेरे ख्याल में ये सुंबल का है, हाँ, अंदाज़ा लगाया जा सके। ये देखें, ये सुंबल है, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा नरम होती है, ये तब इसमें डालते हैं ताकि ये टेढ़ी ना हो। ये टेढ़ी नहीं होती है, तो ये पॉपुलर में ज़्यादा आकड़ होती है। ये देखें, अब ये टूटेगा नहीं, बहुत मुश्किल से टूटेगा। ये देखें ना, ये देखें, मैं अब मुकम्मल जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये देखें, अभी बड़ी मुश्किल से टूटा है। तकरीबन 15-20 मिनट आग के पास बैठने के बाद अभी कुछ ना कोई सेटिंग बनी है, अभी अपना काम शुरू करते हैं। ए पता ही कि तू गलत लाना है, तू आप पीछे हो, रेडी आगे कर। इधर आना यार, मैं तो 10 ING ठेकेदार हैं, मैं क्या, तू गलत है। खैर सर्दी बंदे समझ भी नहीं आनी के सी लगा पा, असा पे सी लगा पा। ये देखें जी, हवा, ओहो हो, या अल्लाह, खैर जो आए जो
ये रहा जी आज के दिन का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि क्लाउडी भी है, शायद बारिश आज भी हो। तो कल हमने ये रैकिंग की थी, अभी इनको कीलें मारना रहती हैं, इन फटों को जस्ट हमने ऊपर रखा है। कल हमारा ये वाला रह गया था बैठक, ठीक है, अभी इसको वलियाँ लगाते हैं, रैकिंग करते हैं। दो वो छोटे छोटे वाशरूम्स हैं, ठीक है, उनको लगा के फिर इंशाल्लाह यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगी, इधर से वहाँ पर जाएगी, वहाँ से वहाँ पर जाएगी और यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी, इस तरह घूमेगी, ठीक है। ये फिर सीढ़ी लगाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रैकिंग वाला काम भी ख़त्म हो चुका, इन सब को कीलें भी मैंने लगा दी, ये जो फट्टे ऊपर पीछे हैं ना ये सारे पेड़ हो जाए, ठीक है, यहाँ ए से लेके ना वो आगे सेट तक हमारी सीढ़ी की ऑलमोस्ट सेटिंग हो चुकी। जितना काम हमें अंदाज़ा है कि जुम्मा से पहले हम कर लेंगे, क्योंकि 12:15 का टाइम हो रहा है, 1 बजे तक काम करेंगे, सुकून से जाएंगे, जुम्मा की नमाज़ अदा करेंगे, खाना खाएँगे और अभी सीढ़ी हमारी जो है ना लगना शुरू हो जाएगी। लगाते हैं अभी, आप देखें। सीढ़ी हमारी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। एक चौकी लगाई है, एक स्लेब लगाई है, इसके बाद फिर एक चौकी लगाएंगे, फिर स्लेब लगाएंगे, फिर एक स्लेब होगी, तब जो है ना कम्प्लीट होगी। मैंने अपना कंबल और ग्लव्स जो है ना, जो कि सुबह गीले थे, मैं पहन के नहीं आया, और ये भी कल बारिश की वजह से गीले हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने शरीर के ऊपर रख दिए, कलम को पहना दिए, चादर ऊपर कर दिए, ओढ़ दिए, तो हवा जो है ना काफ़ी ज़्यादा चल रही है, इस वजह से ये सूख जाएगी, और शाम को जब घर जाएंगे ना तो ऊपर ओढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो अभी नमाज जुम्मा के लिए जाते हैं। माशाल्लाह से ये इस कॉलोनी की एक जामा मस्जिद है, दूसरी मस्जिद है लेकिन वो अभी बन रही है, तो मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ, तभी यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह मिल गई है, नहीं तो यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती, इतना ज़्यादा रश होता है। इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तखली व बरहमतक नवाई तो सुन्नत लेतिका। अभी खाना लेके मैं आ गया हूँ और अभी खाना खाते हैं, और बहुत कोशिश की कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे धूप भी लगे और हवा ना लगे, धूप लगे और हवा ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी बैठ के छाँव में, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे हवा नहीं लग रही है, बहुत कम लग रही है, आज हवा जो है ना एक बंदे को काट रही है भाई साहब। और खाने में आज सब्जी हमारी पालक और साथ में दाल चना, और ये रही रोटी। अभी 5 होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, ये देखें सीढ़ी को मुकम्मल कर दिया सारी को, ठीक है, तो बाकी ऊपर पलाई आएगी, और ये सीढ़ी वाली जो जगह थी ना ये वाली, तो इसके ऊपर रैकिंग शैकिंग की है। सूरज ग़ुरूब हो चुका और यकीनन शाम हो चुकी, और ये देखें लाइट्स को इस्तान इनकलेव की भी ऑन हो चुकी और हमारी रोक भी मुकम्मल हो चुकी। ये देखें भाई साहब, अगर आपको मज़ा ना आया ना रोक का तो पैसे वापस, ठीक है। तो आज का दिन हमारा यहीं तक था, तो बाकी कल का इंशाल्लाह कल देखेंगे, प्लाई ऊपर बिछाएंगे, उसको ऑयल वगैरह लगाएंगे, साइडों से रोके लगाएंगे। और अभी कपड़े चेंज कर लिए और चादर मेरी जो मैं कॉलम को पहना के गया था, ओढ़ के गया था ऊपर खुशक होने के लिए, चादर मेरी खुशक हो चुकी। असल में धूप भी थी और हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, हवा की वजह से खुशक हुई, हवा की वजह से। और मोटरसाइकिल हमारा ये देखें
सर्विस यहीं पे हो रहा है। पिछले जुमे को मैंने इसको सर्विस कराया था, तो आज तकरीबन 7 दिन हुए, लेकिन बारिशों का सीज़न था, हमारा सफ़र भी लंबा होता है, रास्ते में कीचड़ होता है, तो उस वजह से मोटरसाइकिल गंदा हुआ पड़ा था। बस ठीक, चलें जी, अपनी गाड़ी सर्विस हो चुकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह सुबह का टाइम है और जूँ ही मैं घर से निकला ना, बाहर रोड पे आया काम पे जाने के लिए, तो भाई साहब आज इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है ना, पता नहीं आप समझ रहे होंगे कि नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अपने घर के पास, ठीक है, वो सामने हमारे घर है। अभी जब नीचे जाएंगे ना भाई साहब, वो इससे भी ज़्यादा होगा तब कोहरा, ठीक है। कोहरा से मुराद बर्फ़ बर्फ़ ही समझ लिया। अब ये देखें, ये घास है ना, ये देखें, अभी इसके ऊपर से मैं उतारता हूँ, ये बर्फ़ है भाई साहब, हम इसको कोहरा बोलते हैं ना, लेकिन ये है बर्फ़। ये देखें मुकम्मल इसकी, ये देखें सही, ये मजबूत है सही, बर्फ़ की तरह। ये देखें, ये देखें, ये वैसी बर्फ़ नहीं है जैसी मुकम्मल जसामत होती है बर्फ़ की, लेकिन ये बर्फ़ की तरह की ही बर्फ़ है, ठीक है। तो ये असल में जस्ट पानी वाला सीन तो है नहीं, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ बरसती है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ। तो ये तकरीबन जनवरी के लास्ट में और फरवरी बल्कि ज़्यादा जनवरी का महीना ही करें तो इसमें ये बर्फ़ पड़ती होती है। अभी मैं चलता हूँ नीचे नाले के अंदर, फिर आपको जो है ना व्यू चेक कराता हूँ बर्फ़ का। अभी मैं बाय रोड जा रहा हूँ, वैसे बीच में भी रास्ते हैं छोटे छोटे जैसे विलेजेस में होते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी स्लिपिंग है बर्फ़ की वजह से, मैं बाय रोड जा रहा हूँ। ये वाला घास आप चेक करें, ये जो घास है ना, ये वाला गोल्डन गोल्डन आपको नज़र आ रहा है, इसका ओरिजिनल कलर है ये। और ये जो है ना, ये देखें कितनी ज़्यादा सफ़ेदी इसके ऊपर छाई हुई है बर्फ़। ये देखें, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके ये देखिएगा। ये देखें, एक घास का ये सीन है भाई साहब, ये देखें। लें जी, मैं पहुँच चुका बड़े नाले के अंदर, ये देखें अब बर्फ़ भाई साहब, ये देखें, इस साइड पर नहीं पड़ी हुई। अब ये देखें, गोल्डन एंड वाइट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तो और भाई साहब, ये देखें, अभी मैं मुकम्मल आ गया हूँ नीचे, और ये चेक करें, ये बर्फ़ चेक करें, अभी तो यही समझो मैं बर्फ़ के अंदर आ गया हूँ भाई साहब। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, ओहो, वो सामने जो बड़ा टीला देख रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया है ना सारा, ये देख लें, ये बिल्कुल भाई साहब एकदम सफ़ेद हुआ है, ये देखें हर तरफ, ये इधर भी जाए ना, ये भी देखें। इससे पहले जो कुछ मैंने आपको दिखाया वो तो कमाल था, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, कमाल अस्त हो गया भाई साहब। भाई साहब ये देखें, ये सारी बर्फ़ है, ये देखें, ये देखें, ये सारी बर्फ़ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये तो भाई साहब इतनी जमी हुई है, ये देखें, ये सारी बर्फ़, कमाल हो गया जी, ये देखें। ये असल में गाड़ियाँ गुजरती रही हैं ना, तो ये टूट फूट का शिकार हो गया, नहीं तो यहाँ पर मुकम्मल इसकी जसामत होती है, ये देखें। अभी पता है क्या, मैं यहाँ से चढ़ के जाऊँगा, ये छोटा सा जो रास्ता है, यहाँ से चढ़ता वहाँ जाऊँगा, वहाँ से फिर ऊपर जाऊँगा, फिर आपको व्यू चेक कराऊँगा, ये सारा व्यू चेक कराऊँगा, ये वाला। यहाँ से चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि स्लिपिंग काफ़ी ज़्यादा है। इस रास्ते से हम आते थे जब हम स्कूल पढ़ के आते थे ना, ये देखें ऐसे रास्ते हैं ये हमारे विलेज के। तो अमूमन कई लोगों ने देखा होगा कि विलेजेस के रास्ते ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। और ये देखें, ये भी एक रास्ता है, लेकिन इधर भी है, बैकअप है मेरे पास, मैं यहाँ से चढ़ के जाऊँगा। और शूज़ मेरे मुकम्मल घास के ऊपर से स्लिप हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो सामने हमारे घर, और वहाँ से मैं पैदल आया था, ये देखें, अभी यहाँ से मैं होता हुआ, अभी देखें यहाँ से मैं चढ़ के जाऊँगा, ये देखें। जब हम स्कूल जाते थे ना, तो अब तो खैर ये यहाँ से रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हम बनाते थे, ये देखें ऐसे स्टेप्स बनाते थे मिट्टी के टीले के ना, खुदवाल के साथ खोद के। और आप देखें मैं सबसे टॉप पे आ गया हूँ, बल्कि अभी और भी ऊपर जाना पड़ेगा, फिलहाल मैं सही टॉप पे नहीं पहुंचा। हाँ जी, अभी सूरज नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब व्यू चेक करें, माशाल्लाह, ये नीचे देखें,
अब देखें भाई साहब, ये ऊपर ऊपर जो है ना घास गोल्डन है, ये जो नीचे की नीचे का एरिया ना घास है ना उसके ऊपर सिर्फ बर्फ पड़ी हुई है, ये बीच में ठीक है बड़े नाले के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम काम पे पहुंच चुके हैं वाक एंड में। तो ये जो मैं आपको अपना विलेज दिखा रहा था ना, तो डेली जो है ना विलेज से हम आते हैं शहर में वाक एंड में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तकरीबन 50 से 55 मिनट का रास्ता होता है। तो ये देख ले कंबल में लिपटा हूँ मैं, है तो इस बगैर भाई साहब चारा ही नहीं है। देख लें सर्दी कितनी ज़्यादा होती है, तो ये मोटा कंबल है ठीक है। मोटरसाइकिल पे आते हैं तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर 2 दिन की रूटीन शेयर की जाए ना तो व्लॉग फिर लंबा हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि डेली की जो है ना रूटीन आपके साथ शेयर की जाए, व्लॉग बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।